फ्रेंड्स, आज मैं परवल मसाला फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने ये परवल लिया है। इसे हल्का हल्का छील लेंगे चाकू की मदद से, उसके बाद दोनों साइड से कट करके और इसे बीच से दो टुकड़ों में सारे परवल को काट लेंगे। ये मैंने सारे परवल को काट लिया है। तो अब एक बाउल में हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच सब्जी मसाला, और इन सब में पानी डालकर हम अच्छे से इसे घोल लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए मच्छी से घोल के रख के देंगे साइड में। उसके बाद अब हम परवल को फ्राई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। उसके बाद हम परवल डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब हल्का पक जाए परवल तो फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद परवल थोड़ा सा पक गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया है उसे डाल देंगे और मसाला डालने के तुरंत बाद हम इसे ढक देंगे और इसे ढकने के बाद 3 से 4 मिनट तक पकाना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये परवल मसाला तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे।